गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करने वाला हूँ। विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली एज वेल। होप यू ऑल हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। ब्रेकफास्ट खा लिया, मैंने मेरे बुक के 5-10 चैप्टर भी ख़त्म कर लिए थे। आई फिनिश्ड 8 टू बी प्रसाइज। अभी ये बुक ख़त्म होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी बुक्स है विच आर रियली गुड फॉर योर माइंड सेट ओ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, प्लीज़ मैंशन इट इन द कमेंट्स। मुझे बुक्स पढ़ने में अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है, सो आई रियली वॉन्ट टू रीड मोर बुक्स। तो आपके सजेशन जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो। वी ऑलमोस्ट एट 73 किलो साइज। आपको जनवरी तक 76 to 78 किलोज के बीच में रहना ही रहना है कम वॉट में। जस्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जल्दी टाइस सब भी अच्छा हो गया। आई थिंक यू कैन सी माई लेग्स। तो रुको, कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। लेग्स आर लुकिंग समवॉट लाइक दिस, ठीक ठाक दिख रहा है। काफ्स तो अभी नॉन एग्जिस्टेंट है, बट वील गेट देयर। काफ्स भी बड़े करेंगे दिस बल। ओवरऑल आई लाइकिंग द वे आई लुक। उतना ज़्यादा फैट नहीं चढ़ा जितना मुझे लगा चढ़ने वाला है। तो अभी मैं जिम जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। माय ब्रांड न्यू पंप कवर विद मी। इफ यू आर नारुतो फैंस यू नो व्हाट दिस इज। काफ़ी अच्छा टी शर्ट है, मेरे भाई ने मेरे लिए US से लाया है। जस्ट व्हेन ही गॉट द मसाज गन ये साथ में लेके आया था, तो आज मैं ये पहनने वाला हूँ। Oversized t-shirt है, so you guys will never know if I lift or not if I'm wearing this. वैसे आज हमको एक अलग जिम में जाना पड़ेगा क्योंकि Evolve 3 दिन के लिए बंद है। मुझे काम से भी 3 दिन छुट्टी है ड्यू टू दिवाली। वंस अगेन हैप्पी दिवाली गाइज, होप यू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। आज हम माफा नाम के एक जिम में जाने वाले हैं। मैं उधर बहुत टाइम पहले गया हूँ। आई रिमेम्बर गोइंग विद साकेत ऑल्सो। लॉकडाउन के टाइम हम उधर बहुत जाते थे। तो अगर आप मुझे बहुत टाइम से सब्सक्राइब कर रहे हो या बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है मैं कौन से जिम के बारे में बात करने वाला हूँ और कौन से जिम में जाके आज बैक और बाइसेप्स मारने वाला हूँ। हम शायद से आज प्रथमेश के साथ जाने वाले हैं। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू नो हु ही इज। वो अभी जस्ट रिसेंटली आई थिंक 1 या 2 महीने पहले उसने एक नेशनल बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट किया था एंड ही केम बैक। आई थिंक वो 6th आया था। तो आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट अबाउट हिम। मैं उससे काफ़ी बातें करने वाला हूँ अबाउट नेशनल बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कम्पीट करने का मे बी इन अ ईयर और टू, लेट्स सी। मैंने उसको ऑलरेडी एक टेक्स्ट ड्रॉप किया है कि मैं ये टाइम पे जाने वाला हूँ एंड इफ ही वांट्स टू जॉइन मी ही कैन कम। तो मैं उसके लिए रुकूंगा, आई थिंक 1 घंटा ज़्यादा रुकूंगा। अगर वो नहीं आया तो हम अकेले जाएंगे, अगर वो आया तो वेरी गुड, वील हैव समवन टू ट्रेन विद टुडे। तो अभी मैं थोड़ा मेरा रूम साफ करूंगा और उसके बाद सीधा जिम के लिए निकलूंगा। आई फॉरगॉट हाउ शेडी दिस जिम इज, लाइक वेयर इज लोकेटेड। जिम काफ़ी अच्छा है, लाइक 400 bucks a day। पर ये कोई तो भी गली में है, इन आइसोलेशन एंड इट्स इन सम रैंडम बिल्डिंग ऑन द 3rd floor। अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ। मैं प्री वर्कआउट मॉन्स्टर एनर्जी। तो अभी मैंने मेरा मॉन्स्टर एनर्जी पीना चालू किया है। इट्स टू टेस्टी फॉर अ शुगर फ्री ड्रिंक। इसमें सिर्फ 9 कैलोरीज है, दैट्स व्हाई आई ड्रिंक इट सो मच। प्रथमेश अभी आ रहा है, वो घर से निकल गया है। वो इधर ही 2 मिनट दूरी पे रहता है, सो ही रीच एनी टाइम। तो अभी उसके लिए रुकते हैं।
trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we can find a way. We can find a way. Find another place where we can just escape. We can find a way. We can find a way. Find another place where we can just escape. We can find a way. चल सी यू ब्रो, मिलते हैं। सी यू ब्रो, नाइस वर्कआउट। नाइस वर्कआउट। मंडे मंडे नहीं, थर्सडे थर्सडे। चल भाई। तो अभी मैं जस्ट घर पे आया हूँ, काफी गुड से 7/10 वर्कआउट था, क्योंकि इक्विपमेंट उधर काफी पुराना है एंड इट वाज वेरी रस्टी, तो वी कुडंट गेट द बेस्ट पंप। ओवरऑल ठीक ठाक ही वर्कआउट था, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वर्कआउट डन इज बेटर देन नो वर्कआउट डन ऑब्वियसली। और प्रथमेश ने मुझे उसका पूरा जर्नी बताया अबाउट हाउ ही हैड टू गो थ्रू हिज एंटायर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एंड द एंटायर प्रोसेस, और काफी डिफिकल्ट था एंड यू हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड एंड स्ट्रॉन्ग टू गो थ्रू अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो। सोच रहा हूँ एक दिन मैं भी करूँ, मे बी इन 2 years आई विल गो फॉर इट। आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस that amount of discipline and that amount of dedication you have to put through and get your body ready. वो तो मुझे कह रहा था after his weight training session उसको 1 घंटा या I think 1.5 hours cardio करता था वो रोज, and then he has to complete his steps excluding his cardio that he's doing in the gym. So that is a lot of work you do overall in the day. I think 5 या 6 घंटे अपना weight training, cardio and steps में ही बिताता था, और उसके अलावा planning his diet, eating the same food every day, and then I don't know यार, I think मुझसे अब भी नहीं होगा। I need to mentally prepare myself properly and then I think in a year or two मैं भी करूँगा for sure। और of course हम एक natural bodybuilding show में भी जाने वाले हैं। मैंने उसको पूछा था कि like a lot of people claim they are natural and then दिख के ही समझ में आता है कि they are not, how do they get to compete? But then उसने मुझे कहा था कि he had a polygraph test done and he showed me a picture of himself, so yeah, works out pretty well, so you can't lie about being
नाटी ऑल्सो ओवर देयर। तो अभी मैं जस्ट मेरा डिनर करने वाला हूँ, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाके लाइक करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाके करो, इससे मुझे बहुत मदद होती है। और कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं करना है, गो हिट द बेल आइकॉन, यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा जब भी मैं एक वीडियो रिलीज करता हूँ। ऑल्सो गाइज, आपके जो भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। सो टेक केयर गाइज, मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में।